देखिए, तीन दफ़ा असल में हुई है। मेरी वालदा को तीन दफ़ा एक हफ्ते में गिरफ्तार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि अब ये दूसरा MPO डिटेंशन ऑर्डर सेटिसाइड हुआ है कि हुकूमत भी थोड़ा सोचेगी कि घरों को इस तरह ना बर्बाद किया जाए। ये बताइएगा कि इमरान खान के हवाले से आपकी एक स्टेटमेंट चाहिए कि उनको अब याद आया श्री मजारी बंद है। जी, बहुत अफसोस की बात है कि उन्हें अपने कारकुनान और लीडरशिप भूल गए हैं वो। मुझे तो इस पर अफसोस ही हो सकता है, लेकिन मेरा PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो PTI जाने। देखिए, तीन दफ़ा असल में हुई है। मेरी वालदा को तीन दफ़ा एक हफ्ते में गिरफ़्तार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि अब ये दूसरा MPO डिटेंशन ऑर्डर सेटिसाइड हुआ है कि हुकूमत भी थोड़ा सोचेगी कि घरों को इस तरह ना बर्बाद किया जाए। ये बताइएगा कि इमरान खान के हवाले से आपकी एक स्टेटमेंट चाहिए कि उनको अब याद आया श्री मजारी बंद है। जी, बहुत अफसोस की बात है कि उन्हें अपने कारकुनान और लीडरशिप भूल गए हैं वो। मुझे तो इस पर अफसोस ही हो सकता है, लेकिन मेरा PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो PTI जाने। देखिए, तीन दफ़ा असल में हुई है। मेरी वालदा को तीन दफ़ा एक हफ्ते में गिरफ़्तार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि अब ये दूसरा MPO डिटेंशन ऑर्डर सेटिसाइड हुआ है कि हुकूमत भी थोड़ा सोचेगी कि घरों को इस तरह ना बर्बाद किया जाए। ये बताइएगा कि इमरान खान के हवाले से आपकी एक स्टेटमेंट चाहिए कि उनको अब याद आया श्री मजारी बंद है। जी, बहुत अफसोस की बात है कि उन्हें अपने कारकुनान और लीडरशिप भूल गए हैं वो। मुझे तो इस पर अफसोस ही हो सकता है, लेकिन मेरा PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो PTI जाने। देखिए, तीन दफ़ा असल में हुई है। मेरी वालदा को तीन दफ़ा एक हफ्ते में गिरफ़्तार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि अब ये दूसरा MPO डिटेंशन ऑर्डर सेटिसाइड हुआ है कि हुकूमत भी थोड़ा सोचेगी कि घरों को इस तरह ना बर्बाद किया जाए। ये बताइएगा कि इमरान खान के हवाले से आपकी एक स्टेटमेंट चाहिए कि उनको अब याद आया श्री मजारी बंद है। जी, बहुत अफसोस की बात है कि उन्हें अपने कारकुनान और लीडरशिप भूल गए हैं वो। मुझे तो इस पर अफसोस ही हो सकता है, लेकिन मेरा PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो PTI जाने।